आज हम बनाएंगे इंदौर की भेल, इंदौर की मिस्टर भेल भंडारी की भेल। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। इसके लिए हमने ये इंदौर की चेतन भैया की भेल भंडारी की मिक्स भेल ले लिया है। अब इसे हम बनाएंगे। ये इस तरह से मिक्स किया हुआ पैकेट ही मिलता है, इसमें सारे मसाले डाले हुए हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये अंगूर, केला, टमाटर, खीरा, एप्पल, गाजर, प्याज, इन सबको बारीक बारीक काट ले, बिल्कुल बारीक बारीक काट ले। ताजा नारियल को भी बारीक बारीक काट लेंगे। फ्रूट्स में आप पाइनएप्पल, अनार और भी कोई फ्रूट ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इन सबको बारीक बारीक काट ले। इस तरह से सब कुछ बारीक बारीक काट लिया है, देखिए। अब एक बर्तन में ये खीरा डाल लेंगे, महीन कटा हुआ खीरा। छोटा साइज का एक खीरा ले लिया था। महीन कटी हुई गाजर, महीन कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ नारियल, बारीक कटा हुआ अंगूर, बारीक कटा हुआ एप्पल, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आज हम प्याज नहीं डाल रहे हैं, आपको प्याज खाना हो तो प्याज डाल ले। आधा नींबू का रस, आधा नींबू का रस ले लिया है। दो तीन बारीक कटी हुई हरी मिर्च, मिर्च आप अपने हिसाब से डाल ले। अब इसमें डालेंगे ये मिक्स भेल। इस भेल में सारा मसाला मिक्स किया हुआ है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर ले। आप चाहें तो इसमें अनार, पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं, तो आपकी चॉइस के ऊपर है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। अब इसे फटाफट सर्व करें। मिक्स करने के बाद इसे तुरंत सर्व करें, नहीं तो ये सील जाएगा। इंदौर की भेल तैयार है खाने के लिए, इसे फटाफट सर्व करें।